हाय फ्रेंड्स, मैं वो आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक मशीन। देखो चार्जिंग वाली मशीन है, आप देख सकते हो इसको, इसमें किस तरीके से धार लगेगी। तो मैं सबसे पहले आपको चला करके दिखाऊंगा इस मशीन को। देखिए आप इसके साउंड दिखाओ। देखो जिस मैंने इसमें अभी कुछ नहीं किया, जैसे ही कस्टमर लेके आया है, ये देखो कितने इसमें कितनी आवाज़ आ रही है, आपको देख सकते हो फ्रेंड, इसके साउंड सुन सकते हो, सब कुछ हिला हुआ है। तो फ्रेंड मैं इसके अंदर अब धार लगाऊंगा। मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियो में बताया है फ्रेंड कि धार को कैसे चेक करें। देखो इसकी जो धार है ना, अभी आप देखोगे बैठी हुई है बिल्कुल। तो अब आपको पता नहीं कैमरे में रात का वक्त है, नाइट का पता नहीं दिखाई दे क्या ना दिखाई दे, इसकी धार आगे से बैठी हुई है। ऊपर वाला ब्लेड जिधर इसको प्ले करता है ना, देखोगे फ्रेंड अभी आप, आगे से इसके अंदर गड्ढे बने हुए। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ढंग से ही एकदम। ये देखोगे इस ब्लेड में इतने जो इसके दांत हैं उसके अंदर गैप बना हुआ है। आप ये देखोगे, ये दरअसल ये नाइट के अंदर जो वीडियो अच्छी बन जाती है और उसमें सब कुछ दिखाई भी देता है। तो फ्रेंड मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे फिर धागा काट के दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, मैंने धार नहीं लगाई है अभी, आप देखोगे कुछ, ये देख रहे हो आप धागा काट रही है, लेकिन ये देखो समझे फ्रेंड, ये बड़ी देर में काटी, जबकि एक बार में ही काम हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड अब मैं इसके अंदर देखो आप, बहुत ये धागा हल्का फुल्का काट भी दिया है फ्रेंड, लेकिन जो तरीके से काटना चाहिए था वो नहीं काटा है। अब मैं इसके अंदर धार लगाऊंगा, धार लगाते वक्त मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरी वीडियो बने रहे, मैं आपको दूसरी मशीन पे जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड अब आप देखोगे मैंने जो ब्लेड है इसके अलग अलग कर लिए हैं। अभी आप इधर देखो इसके अंदर कितनी प्ले बनी हुई है, यानी इस दांतों के अंदर देखोगे आप कितना गैप बना हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको अलग से एकदम, इस तरीके से देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये देखो अलग से दिखाई दे रहा है आपको कुछ अलग, इसकी जो ये अलग अलग दिखाई दे रहे ना फ्रेंड, ये नीचे को डाउन हो गए, ऊपर वाले ब्लेड ने इसको डाउन कर दिया है, मुझे वही खत्म करना है और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक बराबर लेवल में इसको घिसाई होगी इसकी। तो फ्रेंड वीडियो पूरी देखें, मैं धार लगाता हूँ दूसरी मशीन, वीडियो का तो कैमरा तरीका से पता नहीं। तो फ्रेंड मैंने धार लगाने शुरू कर दी है, अब आप मेरी वीडियो देखेंगे पूरी। मैंने व्हील पे इसको रख लिया है, देखो फ्रेंड इस ब्लेड के अंदर चिंगारी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब ये हीट हो चुका है, अब देखिए फ्रेंड अब आपको फिर एक चीज दिखाता हूँ, मोबाइल कैमरा लाइए इधर, देखिए। बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखाना चाह रहा है, क्या है, तो भाई मैं ये बता दूं, मैं वीडियो में कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा हूँ, काम कर लेता हूँ। तो किसी भाई को नहीं आता होगा तो वो भी मेरी वीडियो से कुछ सीख लेते होंगे, बस इतना ही है। तो फ्रेंड अब आप देखोगे पूरी इसकी शाइनिंग देखोगे, और इसके आगे से कैमरा इधर रखो ना, तो उजाला है। तो फ्रेंड देखोगे आप इसके अंदर ये दांतों पे जो इसके दांते हैं उस पर गौर करो फ्रेंड, आगे की साइड जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहां से इसकी घिसाई शुरू हो गई, यानी व्हील जो काम कर चुका है अपना, थोड़ा सा बीच में से रह गया, यहाँ से इस एरिया में से रह रहा है। मैं भी आपको कुछ चीज लेके दिखाता हूँ, देखिए इस वाले एरिया में रह रहा है, इस वाले में इतना एरिया इसका अभी रह चुका है, और ये मैं यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बिल्कुल लेवल होना चाहिए यहाँ से और यहाँ तक पूरा। तो इसके जो इधर वाले ये निशान है ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे तो उससे कोई देखें आगे से लेवल इसका एकदम बराबर हो जाना चाहिए।
से रह रहा मैं यहाँ पर यहाँ इधर देखिए। अच्छा फ्रेंड आप देखोगे इधर से, देखो आप ये देखो फ्रेंड, अब आप मेरे ये इधर से कुछ रह चुके हैं, ऐसे कुछ दांत इधर से रह रहे हैं, ये देखो आपको हल्का हल्के दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो तो काफ़ी हद तक ये ब्लेड हो चुका है, धार लग चुकी है इसके अंदर, तो मैं अभी आपको पूरा फाइनल करके दिखाता हूँ फ्रेंड। ये ब्लेड हो चुका है फाइनल, आप इसमें गौर करोगे, और मैंने मशीनें बहुत लगाई हैं, उनमें चिंगारी निकलती है। तो फ्रेंड ये मटेरियल का फ़र्क होता है, किसी किसी जो इस ब्लेड का जो मटेरियल है उसमें ही कोई ऐसी फ़र्क है इसके अंदर ऐसा, उसकी वजह से इसके अंदर चिंगारी नहीं निकल रही है। ताकि फ्रेंड मैंने ये पूरा अपना कर चुका हूँ मैं इसमें अपना काम, बाकी मैं अब आपको दिखाऊंगा दूसरे वाले ब्लेड को लगा के। मतलब थोड़ी बहुत अभी से कुछ डाउट था मैंने पूरा ख़त्म कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैं फाइनल कर चुका हूँ ब्लेड को, आप देखेंगे मैं इसकी शाइनिंग आपको दिखाता हूँ अभी, कैमरे को चलाइए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन देखो आप पूरी शाइनिंग आ चुकी है इसके अंदर, और इस धार में मैं अभी से ही आपको बता रहा हूँ, मैं इसके आपको धागा काट के दिखाऊंगा, इससे बाल भी आप काटोगे बहुत बढ़िया तरीके से बाल काटेगी ये, और मैं सबसे पहले आपको धागा काट के दिखाऊंगा, बहुत अच्छा धागा काटेगा ये ब्लेड। तो मैं फ्रेंड दूसरा ब्लेड लगाने की तैयारी करता हूँ, अब आप देखेंगे मैं दूसरा ब्लेड लगाता हूँ। तो फ्रेंड अब आप देखेंगे मैं दूसरा ब्लेड धार लगाना शुरू कर रहा हूँ, देखिए आप रखने का तरीका फ्रेंड, व्हील के ऊपर इसी तरीके से होना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ हमारा काम सही हो रहा है। कुछ अनुभव अपने आप को भी होना चाहिए फ्रेंड, सारी बातें मैं बताऊंगा, बताता हूँ मैं, छुपाता कुछ नहीं हूँ, लेकिन देखो वीडियो से देखने में और खुद करने में बहुत फर्क है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अनुभव एक अनुभव ही होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को काम करते करते। मैंने इस ब्लेड को अभी टच करके देखा है तो एक साइड से घिसाई हो रही है इसकी, मेरे को घिसाई करनी है बिल्कुल बराबर। तो फ्रेंड वीडियो मेरी पूरी देखते रहना, मैं दिखाता हूँ। तो देखोगे फ्रेंड इस वाले ब्लेड के अंदर भी चिंगारी बिल्कुल नहीं निकल रही है, तो ये मटेरियल की करामात है कुछ, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि मुझे पता नहीं है, जो मुझे पता होता मैं सिर्फ वो ही बताता हूँ, जो नहीं पता होता मैं उसके लिए मना कर देता हूँ। तो आप फ्रेंड देखेंगे मेरी वीडियो को पूरी, आप मैंने ये ब्लेड फाइनल कर दिया है। तो फ्रेंड आप देखोगे ब्लेड बिल्कुल फाइनल हो चुका है, इधर लाइए दिखाइए एक बार। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें यार, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड मैं ये अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, अगर किसी भाई को विश्वास ना हो तो मैं ये बता दूं आपको, मैं फ्रेंड अपनी सच्चाई बताता हूँ आपको, मैं इस ब्लेड के अंदर बहुत से भाई सोचे कि यार इसने तो कुछ किया होगा, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मैं कुछ अलग से करूं। अब मैं बस इतना अलग से करूंगा, मैं इसको सेट करूंगा बस ब्लेड को, वो आप भी कर सकते हो। तो मैं मेरी वीडियो में ये मत सोचना कि इसने कुछ अलग किया है, वीडियो में कुछ अलग दिखाया है, अगर मैं ऐसा करता तो मैं फिर वीडियो क्यों बनाता भाई, मैं सारी बातें ही क्यों बताता आप लोगों को। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगे कॉमेंट जरूर कर देना, ओके भाई। अब मैं इसको फिट करके आपको अभी धागा काट के दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले बोला था कि मैं धागा काट के दिखाऊंगा, तो ये वही मशीन है और आपने शुरू में देखा था इसी धागे को किस तरीके से, आप देखोगे पता भी नहीं चलता है, रखते ही खत्म कर देती धागे को, देखोगे देखोगे फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप कहीं ये ना सोचने लगे कि मैंने इस वीडियो में कुछ अलग किया है या इस मशीन में कुछ अलग किया है, आपको मेरी बात पर विश्वास जरूर करना होगा, मैं इसमें कुछ भी अलग नहीं करता हूँ, देख रहे हो आप। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और मैं विश्वास से आपको बता रहा हूँ मैंने उसी व्हील के ऊपर धार लगाई है,
और मैंने इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसकी सेटिंग करी है और कुछ नहीं किया। धार बहुत बेहतरीन आ चुकी है। अब मैं आपको बाल तो काट के दिखा नहीं सकता कि मैं अपने सर के बाल काटूँ। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कॉमेंट जरूर कर दें। नए भाई मेरे जो चैनल को देख रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय बाय।